पिछले दिनों नई जनसत्ता पार्टी बनाने वाले कुंडा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 30 नवंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ में रैली करके अपनी सियासी ताकत का एहसास कराएंगे। राजा भैया के राजनीतिक सफर के 25 साल पूरे हो रहे हैं और रमाबाई रैली स्तर पर उन्होंने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। निर्दलीय विधायक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी जनसत्ता पार्टी का गठन कर लिया है। जनसत्ता पार्टी के बैनर तले ही कल 30 नवंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ के रमाबाई रैली स्थल पर राजा भैया अपनी सियासी ताकत का एहसास कराने वाले हैं। आज देर शाम यूपी की राजधानी लखनऊ के तमाम स्थानों में राजा भैया की नई जनसत्ता पार्टी के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए हैं। यह मुख्यमंत्री आवास चौराहा है, लोहिया पथ है या फिर इसके अलावा तमाम सारे जो अन्य स्थान हैं वहां पर राजा भैया की नई पार्टी के पोस्टर, बैनर और झंडे लगे हुए हैं। दावा किया गया है कि कल रमाबाई रैली स्थल को राजा भैया के समर्थक और उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी तरह से भर दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि राजा भैया की यह पार्टी, जनसत्ता पार्टी, 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में भी उतर सकती है। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी लखनऊ।